नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि पारस एचएमआरआई पटना में डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके अलावा पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी। डॉक्टर साहब से आज हमें जानने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर किसी पुरुष में ये समस्या होती है कि पेशाब करने में उन्हें वक्त ज़्यादा लग रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अगर किसी को पेशाब करने में लंबा वक्त लग रहा है, किसी पुरुष को पेशाब करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो पीछे इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हैं और वो फिर उसको मैं डिवाइड करूँगा कि यंग एज में पेशाब धीरे धीरे होना और वयस्क और उससे भी बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा उम्र में, उम्र दराज लोगों में पेशाब धीरे धीरे होना। तो है क्या कि जनरली जो यंग आदमी होता है उसको यदि धीरे धीरे पेशाब होता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कॉमन कारण ये है कि पेशाब का रास्ता कहीं न कहीं सिकुड़ा हुआ है। पेनिस तो लंबा होता है, पेशाब की थैली के नीचे से प्रोस्टेट की तरफ से गुजरते हुए पेनिस और अंत में जाके सामने मूत्र नली ख़त्म होती है, जहाँ से पेशाब आदमी करता है। तो ये पूरी लंबाई में कहीं भी सिकुड़ाहट हो जा सकती है। सिकुड़ाहट होगी तो बहुत सिंपल है, अरे भाई फिजिक्स में पानी का बहाव जो होगा जितने पतले रास्ते से होगा उतना पतला पेशाब होगा। अब है कि पतला रास्ता जो होता है वो क्यों होता है, तो दो कारण ज़्यादातर हैं, या तो पोस्ट इन्फेक्टिव, अब इसको इन्फेक्शन बार बार पेशाब के रास्ते में हुआ हो, पहले गनोरिया वगैरह टाइप की बीमारी हुई हो तो उसके चलते हुआ हो, या पेशाब, आजकल पेशाब के रास्ते में चोट ज़्यादा है। जैसे यंग आदमी है, साइकिल से जा रहा है और उसको पेरिनियम में, मैंने पेशाब के, मैंने जिसको रास्ते के जड़ में, पेनिस के जड़ में किसी कारण से चोट लग गया, गिर गया, वहाँ चोट लग गई, या कोई भी कुछ इस तरह का हुआ, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर होता है उसको ना पता है कि कभी चोट लगी, ना उसको कोई बीमारी है, पेशाब धीरे धीरे हो रहा है, जब जांच कराने आया तो देखा, अरे भाई इसको तो पेशाब का रास्ता सिकुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो उसको हम लोग कहते हैं, मैंने बिना कारण हमें पता नहीं है फिर भी स्ट्रक्चर उसको है। तो एक तो स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड में एक बीमारी होती है बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस। इसमें होता क्या है कि पेनिस का अग्रभाग सफ़ेद हो जाता है, जिसको ल्यूकोडर्मा जिसे होता है, उस तरह का विटिलिगो उसमें सफ़ेद हो जाता है, डिपिगमेंटेड हो जाता है, और पेनिस का मैंने पेशाब के रास्ते का अग्रभाग जो है सिकुड़ जाता है, तो उसके वजह से पतला पेशाब होता है। और जब वहाँ सिकुड़ता है तो पीछे भी पेशाब के रास्ते में कहीं पर भी सिकुड़ाहट हो सकती है, वहाँ है, फिर उसके पीछे है, उसके पीछे, उसके पीछे है। तो ये ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस जो है, बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस, ये बहुत ही वाहियात बीमारी है, ये हो जाए, इसका कारण हमको पता नहीं है। हम बहुत रिसर्च हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन में ये वायरस वगैरह का ही होता है जिसके वजह से हो जाता है, और जब होता है तो पूरा पेशाब की नली को ख़राब कर देता है और बहुत परेशानी होती है हम लोग को इलाज करने में भी। इसका इलाज जो है वो वहाँ पर यूरेथ्रोप्लास्टी करके ही होता है, रिप्लेस करना पड़ता है पेशाब की नली को मुंह की झिल्ली से और या और कई जगहों से ये लेकर के, झिल्ली लेकर के रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस बहुत दिन तक लोग इग्नोर भी करते हैं, उनको पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसा जब उनको नज़र आवे कि भाई पेशाब का मुंह एकदम छोट हो गया है, साथ में उजला हो गया है, चमड़ा ऊपर सामने का सट गया है, वो भी शायद उजला हो गया है, तो डॉक्टर से और पेशाब तो ज़रूर मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हो गई कि यंग एज में भी
पेशाब के रास्ते, पेशाब की थैली और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में जो ब्लैडर नेक होता है वो खुलता नहीं है। जैसे एक प्रेग्नेंट औरत का बच्चा होता है तो क्या होता है, जब यूटरस बच्चेदानी कंट्रैक्ट करता है तो सामने का मुंह खुल जाता है और बच्चा निकल जाता है। कोई कोई औरत का ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, ये सिकुड़ेगा लेकिन ये मुंह खुलबे नहीं करेगा। तो ये बीमारी जो होती है तब उसमें सीजरियन वगैरह करना पड़ता है। अब उसी तरह से इमेजिन करो कि मर्दों में भी पेशाब जो है कि थैली सिकुड़ रही है तो उसके साथ मुंह खुलना चाहिए ना, तब ना पेशाब निकलेगा। और पेशाब की थैली सिकुड़ रही है और मुंह खुलिए नहीं रहा है, इसको कहते हैं डेट्रूजर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया, एक बीमारी है। ये बहुत कम होती है लेकिन जिसको होती है, एकदम यंग एज का आदमी होता है उसको हो जाता है बीमार, हो जाती है बीमारी, तो उसको बहुत सी परेशानियां होती हैं, दवा से भी आराम नहीं होता है, तो फिर ऑपरेशन उसका करना पड़ता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वो लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहेगा कह रहे स्ट्रिक्चर तो है ये नहीं है, तो यो ये इतना जवान आदमी है जिसका पेशाब का इतना पतला होता है, तो ये कारण इसका होता है। तो तीन चीज़ें बताई हमने, स्ट्रिक्चर बताया, ब्लेनाटिस जेरोटिका ऑब्लिटरेंस बताया, और ब्लैडर नेक खुलता नहीं है जब पेशाब करता है। तो तीन कॉमन चीज़ें हुई। अब आप आइए उम्र बढ़ने पर, उम्र बढ़ने पर पेशाब के नली के जहाँ से शुरू होती है थैली के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूजुअली 15 ग्राम का होता है। अब वो लेकिन जब बढ़ने लगता है, उम्र बढ़ने से आँख की रोशनी घटेगी, सब चीज़ घट जाएगा, देखा ये खाली प्रोस्टेट में बढ़ता है तो बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगेगा तो पेशाब की नली को दबाएगा, जब दबाएगा तो पेशाब जो है सो पतला होगा, पेशाब करने में तकलीफ होगी, जोर लगाना पड़ेगा। कभी कभी तो इस तरह से दबा देता है कि जोर लगाने पर रुक जाएगा, फिर उसको थोड़ा ढीला करेगा, वाल्व की तरह प्रोस्टेट हो जाता है, चला आता है, जिसको मीडियल लोब कहते हैं। अब जोर लगाया तो वाल्व की तरह बंद कर दिया, अब फिर जो है सो ढीला हुआ तो थोड़ा सा पेशाब निकला, तो बेचारा बाप बाप करता है, पेशाब रुक भी जाता है और इस तरह की समस्या होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड दो तरह से होता है, बिनाइन जो ये सब बताया, नहीं तो उसके अंदर कैंसर हो उसके वजह से ही बढ़ जाता है, जिसके जिससे ही होता है, और बाकी सब जितने कारण हैं वो बुढ़ापे में भी हो सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें ये बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।